तो हम आ चुके थे यहाँ पे पालकर साइड में बीच कैंपिंग करने के लिए संतोष चौरसिया जी के साथ, और ये देखो हमारा आज सुबह का व्यू। अरे साला ये क्या रे, हमें इच्छा थी कि बीच पे कैंपिंग करेंगे, इसलिए हम आ गए बीच पे कैंपिंग करने के लिए। तो हम आए हैं सतपड़ी विलेज में, और यहाँ पे एक बीच है, वहाँ पे हम कैंपिंग करेंगे। तो रेत में सोने की बहुत इच्छा थी, तो हम आ गए। तो यहाँ पे सैटरडे संडे को लोग आते हैं, खेलते हैं कबड्डी, खेल रहे थे आप देख रहे थे वैसे, और हमारे फ्रेंड निकाल रहे थे टाइम लैप्स। तो कैंपिंग के लिए लकड़ा ज़रूरी है, तो हम लकड़ा लेके जा रहे हैं, और हम यहाँ से लिए थोड़े गांव में से, लोगों से, लोकल लोगों से। तो हमारे सौरभ साहब टेंट लेके आए और टेंट लगा रहे बीच में सी है। एट मैन टेंट है भैया जी के पास, और है हम 5 जन, तो 8 लोग तो बैठ जाएंगे इसमें, लगाएंगे अभी फिर दिखाएंगे अंदर का सीन। ये है हमारा 8 मैन टेंट। अच्छा तो ऐसा खड़ा है, पीछे जा, पीछे पीछे पीछे, रुक जा रुक जा रुक जा। ये रहा हमारा 8 मैन टेंट, याजी घुस रहे अंदर। इधर 400 जाएंगे और इधर 400 जाएंगे, हो जाएंगे 8 लोग। मलम पट्टी हो रही हमारे टेंट की। ऐसा करते हैं टेंट का मलम पट्टी। इस डिश को बनाने के लिए आपको लगेंगे 4 दोस्त। चार अपने दोस्त को लीजिए, बीच में जाइए, ऐसे आग लगाइए जैसे आप देख रहे हो, फिर डालिए थोड़ा सा उसमें कॉर्न, टमाटर काट के, प्याज छोटे छोटे काट के, मिर्ची, लहसुन जो अपने हाथ से छिलना ज़रूरी है ताकि प्याज पड़े, और हेडलैम्प पहन के, एक हाथ में ये बड़ा सा अगली ग्लव पहन के शुरू हो जाइए, उसको हिलाइए घुमाइए, और 20 मिनट में, अच्छा बटर डालना ज़रूरी है, 20 मिनट में आपको मिलेगा सरप्राइज। इसका नाम क्या है डिश का? चकना। चकना, चकना बाय द बीच इस बार तो मास्टर शेफ। आपको बर्तन धोने तो रेत लो और रेत से साफ करो, और फिर बाद में पानी से धो लो। कैसे कर लेते हो ये सब तुम हैं? कौन से कॉलेज से? कौन से कॉलेज से सीखे हो तुम ये सब? आई आई एन।
सुबह सुबह पनीर खाने का मजा ही कुछ अलग है, तो करेंगे बारबेक्यू इसको आज पनीर। बीच साइड कैंपिंग एंड ईटिंग पनीर डूइंग बारबेक्यू। हाँ, और कैंपिंग करते करते है ना, सुबह सुबह किसी को पूछना नहीं दर्द हुआ क्या। अच्छा हो गया, ये खा सकते हैं। अच्छा खा सकते हो तुम भी। अच्छा पर आप को से खा रहा था, गरम वाला मेरे होंठ में लग गया। बीच पे बनाने जा रहे हैं संतोष जी, क्या बनाने जा रहे हैं आप? चौरसिया मैगी बन रही है। चौरसिया मैगी बन रही है। अरे बनाएंगे बनाएंगे, धीरज रखिए। बटर का स्लाइस डालेंगे ऐसे कैसे? इतना बटर डालेंगे धुआं धुआं हो गया। इतना बटर डाले कि धुआं धुआं हो गया। तो मैगी में हम डालने जा रहे हैं कांदा, और कांदे के साथ हम डालेंगे मटर, मटर और अंदर है होल्ड कर, अंदर है कॉर्न है, बटाटा है, टमाटर है, टमाटर था अंदर है, देखो ये रहा टमाटर, ये सब डलेगा इसमें। अभी देखिए मैगी में डलेगा थोड़ा सा पनीर। फटाफट फटाफट, अरे साले खा ले रे ये ससुरा। आज बनेगा लम्स लग्जरी वाला मैगी। बीच पे मैगी खाने का कुछ अंदाज ही अलग है। लंबा ही रखना। क्रश करके मैगी डल रही है अभी बाउल में। बाउल में यही देखो गिरे है। तो चार मैगी का समावेश यहाँ पे किया गया है और इसकी मैगी बनेगी पूरे। उसमें खाने फोड़ के डाल दो सारे इनसाइड द बाउल। ये हमारा टेंट है और यहाँ पे हमारा किचन है, देख लो। मतलब लड़के के मैगी की निरीक्षण कर लेते हैं कि डला है वो पका है कि नहीं पका है। पक रहा है मतलब बड़ी मैगी डल रही है। ऐसे ही मैगी का समावेश हो गया है पातीले में और अब खिलाएंगे। आएंगे टेंट में चौरसिया जी की मैगी। मैगी 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 डालो, खाएंगे मैगी आज। टन 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 दिख गई मैगी, अभी जाएगी प्लेट में। ऐसे घुमा घुमा के इसमें पड़ा था भिंडी, भिंडी डाले थे हम पर बोलने के लिए बोल रहे हैं। वटाना डाले, पनीर डाले और स्वीट कॉर्न डाले, सब डाले। देखो धुआं तो मतलब डाले बटर इतना तो धुआं धुआं कर दिया इन्होंने। हम खाएंगे ये वाला मैगी सारे, सब लोग हम भी खाएंगे। रख दो। दिनों के बाद हम समुन्द्र के पानी में नहाए हैं, बट जो फ्लोट किए हैं मतलब एक अलग ही लेवल पे फ्लोट कर रहे थे हम। तो जब तुम कैंपिंग करोगे बीच पे तो ध्यान रखना कि समुंदर के वेव से थोड़ा सा दूर करे कैंपिंग, और पूरा कचरा है ना ऐसे क्रश करे, ये भैया और सारा कचरा गार्बेज बैग में ले और घर लेके जाइए और गंदगी मत कीजिए। फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन टू वॉट आई से बस।